ये है तेजस एक्सप्रेस का इंटीरियर पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव क्लास का डब्बा है और इसके अंदर तकरीबन 26 सीटें हैं और यहाँ 2x2 सिटिंग अरेंजमेंट है। और इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर आप उसको देखें तो इस सीट को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है। ये रिक्लाइनर सीटें हैं और इनकी खासियत क्या है, इसमें हेडरेस्ट भी है, साथ ही साथ इसमें लेग रेस्ट भी है। और इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इस डिब्बे के अंदर कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि LCD स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसपे इंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम और चीज़ें हैं जिनमें LED लाइट्स की आप बात कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ रीडिंग लाइट्स भी हैं। और अगर आपको अटेंडेंट को बुलाना हो तो उसके लिए भी लाइट का यहाँ पर इंतजाम है और उसके लिए आपको सिर्फ ये लाइट जलानी है और उसके बाद अटेंडेंट थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक लुक एंड फील देने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो आप कह सकते हैं कि ये अल्मोनियम का खासा इस्तेमाल किया गया है, LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से जब आप बाहर निकलें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसमें और ज़्यादा हम इस्तेमाल किए गए बात करते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाकी सारे इंतजाम किए गए हैं। और अब आपको हम अंदर ले चलते हैं एक ऐसी जगह में जहाँ पर आप दूसरे तरीके का डिब्बा देख सकते हैं, सेकंड क्लास AC चेयर कार इसको कहते हैं। तो तेजस के अंदर सेकंड क्लास AC चेयर कार होगी जिसमें हम कह सकते हैं कि 5-5 जो है सीटें एक रो में होंगी, टोटल 78 सीटें हैं इस डिब्बे के अंदर। और यहाँ पर ब्रेल लिपि से भी जो हम कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है कि वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। और इसके अलावा जगह जगह अपनी USB लगाने के लिए, साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग के भी पॉइंट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग लुक एंड फील देने की कोशिश की गई है। तो ये है नई नवेली तेजस एक्सप्रेस।